विजयदशमी के दिन अमृतसर में हुए हृदय विदारक रेल हादसे में मारे गए मृत आत्माओं के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने सोमवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में 2 मिनट का मौन रख मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना किया। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने मांग किया है कि मृतक लोगों के परिवार वालों को 50 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 10 लाख और अन्य घायलों को 5 लाख रुपए का मुआवजा, घटना का निष्पक्ष जांच हो इसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी गठित की कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जाए, साथ ही साथ इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो इस पर विचार किया जाए। इस अवसर पर विश्वनाथ, उमाशंकर आर्य, विक्रम प्रसाद, जय राम प्रसाद सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए हरिशरण गौतम ने कहा, अभी आपने देखा होगा दशहरा के दिन अमृतसर में जोड़ा रेलवे फाटक के पास जहां रामलीला चल रहा था, वहां पर जालंधर अमृतसर एक्सप्रेस ने सैकड़ों आदमी को कुचल दिया, मार डाला। यह शोक सभा जो है हम लोगों ने उन्हीं लोगों के लिए आयोजित की है। हम लोगों की मांग है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए वो उस पर जो है वो आरोपित हो और उस पर उसको दंडित किया जाए। हरिशरण गौतम।